मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और ये यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है, और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या दो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित हुई। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर, पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी, लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामले में 181 की सेवा है, घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध, जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि एक महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे
सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वह देश के अंदर नंबर एक पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रश्न संख्या दो, श्री प्रधान। नहीं, श्री अनिल प्रधान, नहीं कोई डिबेट नहीं हो रही, होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछ लिया। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका, इसमें तीन माननीय सदस्य हैं इसलिए सीधा प्रश्न पर आइए क्योंकि तीनों सदस्यों को अवसर दिया जाए। सर, चूंकि जो नमाम गंगे का, नहीं आप पूछो, आज पूरे प्रदेश में सर हर घर नल योजना का जो कार्य संपादित है प्रदेश सरकार द्वारा, पूरे गाँव की जो सड़कें, चाहे वो लोहिया गाँव के द्वारा बनाई गई हों, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत बनाई गई हों, अम्बेडकर गांव के तहत बनाई गई, विधायक सांसद जिससे बना, किसी भी योजना के तहत बनाई गई, पूरे गांव को, पूरे उत्तर प्रदेश की गांव गलियों को खोदने का काम नमामि गंगे के कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया। अब जो सरकार कह रही है कि हम जनता को निःशुल्क पानी देने का काम करेंगे, तो इससे संबंधित मेरे दो तीन विषय हैं सर, उनके आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूँगा। एक व्यवस्था बनाई है और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी, लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया, लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए, महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी, वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर के महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे, लेकिन इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी, या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सौदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था, और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है
कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे, ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा है, और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है, हर बेटी को भी हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या दो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई, तो जो दंडित हो जाते कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं, यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित हुई।